गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का क्लाइमेट देखिए क्या है, मतलब इट्स लाइक ऑसम। ऐसा क्लाइमेट बहुत सालों में एक बार देखने को मिलता है और आज मिला। हमें कोई एक जगह है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लेस है डिस्कवर करने के लिए। और चार्ली कैसे हो? मतलब मेरा एक फैंटेसी था कि वो जो टूटा वाला ब्रिज है वहाँ से जाने का बहुत मन था मेरा। आ गए हम लोग। आज का क्लाइमेट जो हुआ है वाह, तो देखिए ये ब्रिज ऐसे खत्म हुआ है। यहाँ पे किस नोट पे चीजें और रिश्ते खत्म होती है आप देखिए। ये बहुत रिस्की है, यहाँ से अगर धूम की तरह आपको कूदवाना है भाई तो आप आइए। इसके ऊपर से शेड टाइप का था तो बहुत अच्छा लगता था बचपन में जब आता था। मैं नहीं मानता। ये देखिए क्लाइमेट क्या दिख रहा है वो। ये जिंदगी बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लिए वहीं खड़े हैं। यहाँ से आपको राइट लेना है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वो अनएक्सप्लोर्ड जगह लुइसिंगा का। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लुइसिंगा में भी आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा? सुंदर सुंदर। इस ब्लॉग को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी हम लोग ये जो पहाड़ है इसको ट्रैक करेंगे सोच रहे हैं। अभी अराउंड 5 बज रहा है शाम का और रोशनी पूरा ख़त्म ही होने को है। बस वहाँ से ऊपर से एक व्यू देखना है कि मतलब कैसा दिखता है। वी आर ऑल सेट टू क्लाइम दिस माउंटेन एंड होप कि इसको जल्दी से चढ़ के आपको ऊपर से व्यू दिखाएं इसका। तीतर के दो आगे, तीतर वाला तीतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो उड़ रहा है यो तीतर है, कोड़ा दिशे वो। ये सुरेश भाई है जो कि लुइसिंगा से हैं, इन्होंने ही बोला था कि हार्ड है। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना। आज मेरे मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना। सेज लेवल को पार करने के बाद दूसरा लेवल और टफ हो जा रहा है। क्या करें, चढ़े नहीं चढ़े कंफ्यूजन में रह रहे हैं, लेकिन चढ़ेंगे। जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक नींद कैसे आएगा। एक नंबर। अब यहाँ से चढ़ने का प्रयास करेंगे या फिर कोई एक अल्टरनेट वे देखेंगे जिससे हम इस पहाड़ के टॉप पे पहुँच पाए। तो देखिए वो कहाँ पहुँच चुका है। बाप रे, आ जा मेरे राजा, थोड़ा बहुत रिस्की है। क्या कर रहे है यार तू? ठीक है, होली होला 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 बाकी बहुत खराब लगा। आज यहाँ पे हम लोग गुर्रू भी देखने को मिल रहा है। पता नहीं वो क्या होते हैं लेकिन गुर्रू बोलते हैं, अच्छा लग रहा है बोलने के लिए। वो उड़ नहीं पाते हैं लेकिन साउंड बहुत करते हैं गुर्रू लोग। वन मोर पहाड़ एडेड ऑन आवर डायरी कि हमने ये पहाड़ को पूरा ट्रैक किया, बहुत अमेजिंग है। तो अभी डैम की ओर चलते हैं। इको ब्रिक्स के बारे में मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला है, अगर आपको जानना है कि इको ब्रिक्स क्या होते हैं तो प्लीज़ उस ब्लॉग को जाके देखिए, यहाँ पे उसका लिंक शो हो रहा होगा। ये दुनिया में मतलब 7 अजूबे होते हैं, 8वां अजूबा ये है कि हम चारों इस बाइक पे अभी बैठने वाले हैं। सो यहाँ पे बस इतने ही जगह है और हम चारों यहाँ पे बैठने वाले हैं। एंड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पूरा गोलमाल वाला सीन हो चुका है। हमें बता रहे हैं कि कैसे आगे में क्या खाल डील है और ये एकदम पूरा हमारा स्पेक्टेट कर रहा है। सौरभ इधर चला रहा है बाइक को। अरे काम करूं पर क्या बारे में। अरे यार मैं
आरएस में चार जन, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आरएस में चार जन ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रैक पर जाए। अरे वाह, फाइनली एक बहुत गंदे राइड के बाद मेरा होश उड़ गया। चार जन जैसा ऑफ रोडिंग हुआ है अभी 40-50 की स्पीड में, वो भाई। और ये राइडर को सलाम मेरा। सौरभ, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट 4, हाउ कैन यू शो कॉन्फिडेंस? बिकॉज़ हाउ कैन यू शो श्योर दैट यू कैन ड्राइव विद 4 इन आरएस? Because it is the capacity of 4 members only, not more than that. कुछ भी। गाइस, डैम के लिए हमारी जर्नी शुरू होती हुई, हम पतली पतले रास्ते से निकल रहे हैं अभी। देखिए कितने छोटे छोटे पतले पतले रास्ते से हम डैम की ओर जाएंगे। गाइस, अमेजिंग, बहुत पंचायत वाला फीलिंग आ रहा है पूरा एकदम, पहाड़ चढ़ने के बाद भी मतलब बहुत सारा एनर्जी बचा हुआ है। चलते चलते अभी थोड़ा दौड़ते हैं गाइस, देखते हैं। सो फाइनली द वेट इज ओवर और हम लोग अभी आ चुके हैं पथौरगढ़ का डैम में, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी का महीना है इसके वजह से ये ज़्यादा यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन बारिश के महीने में माना जाता है कि वो पहाड़ के नीचे तक पानी पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे भर जाता है। अभी अच्छा है कि हम लोग आके इसको एक्सप्लोर कर दिए, क्योंकि बारिश के महीने में यहाँ आना भी पॉसिबल नहीं है। देखी भाई काना करु जा भाई काना माछ केन माछ काऊ माछ कहते केजे कहते मस्त मछली पकड़ चुका है, दो मछली पकड़ा है उसने, दुईटा अच्छी है देखो मते दिया तो बोले या एक आइडा तार ले जदी कुची हला वाला नहीं के ने केने कुची पूरा तार हेरा रो हंता दो छो जी देखी इबा गाइस इसका जो पॉइंट सब है वो कुची होने से बहुत दर्द होता है, काप काप कर रहा है, थोड़ा पानी में छोड़ देते हैं इसको। सो जो मैं माछ को पकड़ा था वो बहुत आइस आइस गंद रहा है, पूरा बास मार रहा है मेरा हाथ अभी, मैं भौक भौक करके बास मार रहा है। अभी मैं थोड़ा मैट से रगड़ूंगा निजर हाथ के शेर के मैट में। हेलो चला गया, वाह वाह, रेडी रेडी So guys, वो जो आपको पत्थर दिख रहा है वहाँ पे डॉन पूजा होता है, ये गांव बहुत फेमस है डॉन पूजा के लिए और डॉन नाच के लिए, यहाँ पे वो पूजा होती है। पूछो 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 आँख के देख ले, डर लग चावी तो वांग उठवा के नहीं बहुत कम कम चार्ज नमस्कार कर ले पीयूष के। मोस्ट फेवरेट कुंभा नाउ इट बलांगीर। ऑल सेट फॉर टुडे, नेक्स्ट ब्लॉग आप बताइए कहाँ जाना है, क्या कर सकते हैं, नया ब्लॉग कैसा चाहिए आपको, क्या देखना है सब बताइए। नए ब्लॉग हम लोग जल्दी करेंगे और कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे और हमारे वेस्टर्न ओडिशा को अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे और पुराना वीडियोस जाइए देखिए और बताइए कैसा है सब। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।